Hello learners, welcome to course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रेक के बारे में सीखेंगे कि ब्रेक का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है, उसकी वर्किंग किस टाइप से होती है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू सिलेक्ट सुटेबल ब्रेकिंग सिस्टम फॉर गिवन एप्लीकेशन। तो अलग अलग एप्लीकेशन में कौन से टाइप की ब्रेकिंग सिस्टम यूज करनी चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि किस तरह से वो सिस्टम यूज किया जाता है। और यहाँ आप इस वीडियो लेक्चर के खत्म होने के बाद हमारा जो आउटकम होगा कि वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गिवन टाइप्स ऑफ ब्रेक। तो कौन से टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे यूज किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, वो आप इस वीडियो लेक्चर के बाद सिखा पाएंगे, आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो सबसे पहला जो पीओ यहाँ पर मैप हो रहा है वो पीओ वन मैप हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग बेसिक टर्म्स यूज कर रहे हैं, बेसिक लॉज ऑफ फ्रिक्शन यूज करने वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं, सिस्टम यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए हमारा जो बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे इम्प्रूव होने वाला है, तो इसीलिए पीओ वन मैप किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कि ब्रेक एप्लीकेशन कैसे होती है, टॉम में जो हम लोगों ने कैम वगैरह के बारे में पढ़ा था, ब्रेक स्प्रिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था, वही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो इसीलिए पीओ फोर मैप किया है। जो हम लोग यूज करेंगे, ये जो ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये ना सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में बट बहुत सारी मशीनरीज एप्लीकेशन में भी यूजफुल होता है, तो इसीलिए पीओ सेवन भी हम लोगों ने मैप किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने मैप किया पीएसओ टू, क्योंकि ब्रेक का मेंटेनेंस हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से मेंटेनेंस किया जा सकता है, तो इसीलिए पीएसओ टू मैप किया है, जो है द मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो ये था इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग आउटकम। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले तो हमें जो पता होना चाहिए वो है कि टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो सबसे पहली जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है वो होती है सर्विस ब्रेक। इट इज द प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम यूजिंग द पेडल कनेक्टेड टू हाइड्रोलिक सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम कॉजिंग इट टू ऑपरेट। तो आप पेडल से या फिर लीवर से ब्रेक को चलाते हो और ब्रेक को रोकते हो, व्हीकल को रोकते हो, तो इस तरह से ये ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। तो आप पेडल यूज करते हो ताकि आपका जो सिस्टम है वो काम करे, ब्रेक लगे। दूसरा जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो पार्किंग ब्रेक होता है। पार्किंग ब्रेक हमेशा मैकेनिकली ही अप्लाई की जा सकती है। सर्विस ब्रेक में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, उसके बाद एयर ब्रेक एंड ऑल अदर थिंग्स, मैकेनिकल भी हो सकता है, पर पार्किंग ब्रेक सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम होता है। ये ड्राइवर के साइड में अगर आप देखेंगे हमेशा तो एक लीवर होता है, इस लीवर को अगर आपने खींच दिया तो आपकी जो पार्किंग ब्रेक है वो अप्लीकेबल हो जाती है। ये बेसिकली इसी ब्रेक से कनेक्टेड होता है, ये जो लीवर रहता है ये कंटिन्यूसली यहीं पे कहीं पे कनेक्ट रहता है, और इस लीवर को खींचने की वजह से ये ब्रेक परमानेंटली लॉक हो जाती है ड्रम के साथ में, तो उस तरीके से आपकी जो ब्रेक है वो अप्लीकेबल होती है, तो वो होता है पार्किंग ब्रेक। तो ये दो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में देख ली थी। आइए अब देखते हैं कि ब्रेक का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रेक कैसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रेक के टाइप्स क्या होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो ब्रेक होता है वो होता है ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक में क्या होगा, सबसे पहला होता है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक और दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक। तो इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक जो होती है वो ऑटोमोबाइल में यूज होती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा ब्रेक होता है कुछ मशीनरीज एप्लीकेशन में यूज होती है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक, और वो किस तरह से काम करती है वो आप लोगों ने टॉम में पढ़ा होगा, यहाँ हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक आपने देखी होगी आपके व्हीकल के फ्रंट साइड में, फ्रंट व्हील में जनरली डिस्क ब्रेक हम लोग अप्लाई करते हैं। डिस्क ब्रेक के दो टाइप होते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के बेस पे, एक होता है फिक्स्ड कैलिपर और दूसरा होता है स्लाइडिंग कैलिपर। तो इस तरह से दो टाइप की ब्रेक्स होती है।
तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा है, तो इंटरनल एक्सपेंडिंग ड्रम ब्रेक। इंटरनल एक्सपेंडिंग इसलिए क्योंकि ये जो ब्रेक अप्लाई होती है तो पहले इंटरनली एक्सपांड होती है और फ्री ब्रेक लगती है। तो ड्रम ब्रेक में सबसे पहले तो एक ड्रम होता है हमारे पास जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये व्हील के सेंटर में बना हुआ होता है। ये एक ड्रम है जिसके अंदर आपके पूरे ब्रेक का कंस्ट्रक्शन बना हुआ रहता है। उसके बाद जो दूसरी चीज है, ये ब्रेक ड्रम आपको दिखाई दिया। उसके बाद जो मेन चीज होती है वो होती है यहाँ पे ये ब्रेक शू। ये जो ब्रेक शू होते हैं ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में बने हुए होते हैं और ये एक जगह पर एक कनेक्टेड होते हैं बाय एंकर पिन। यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ये फिक्स रहते हैं यहाँ पर। और इन ब्रेक शूज के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर आपको ब्रेक लाइनिंग नजर आएगी। ये देखिए ब्रेक लाइनिंग, ये जो ब्रेक लाइनर्स होती है ये फ्रिक्शन मटेरियल से बनी हुई होती है। फ्रिक्शन मटेरियल से इसलिए बनी हुई होती है ताकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाए और आपकी ब्रेक इजीली लगे। तो ये होता है इसका काम। तो ब्रेक लाइनर्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद में ये और एक काम की चीज है, यहाँ हम मैकेनिकल ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कैम लगा हुआ रहेगा। ये ऑपरेटिंग कैम है, ये कैम भी देखिए इस कंडीशन में है तो इसीलिए ये जो आपके लाइनर है ये अंदर है। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ये जो कैम है ये यहाँ पर इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, यानी ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। और जैसे ये रोटेट होगा तो ये जो लाइनर है, ये जो आपके लाइनर है, ये जो आपके ब्रेक शू है, ये इस डायरेक्शन में एक्सपांड हो गए। यानी इंटरनल ब्रेक है, इंटरनल होने के बाद आपके लाइनर क्या हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। और ये जब एक्सपांड होंगे तो ये जो लाइनर है ये इसके ड्रम के कांटेक्ट में आएंगे और इनके बीच में होगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन होने की वजह से आपके व्हीकल की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब जैसे ही आप ब्रेक छोड़ देते हो तब ये रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग है जो काम में आता है। और ये क्या करता है कि जैसे ही आपने ब्रेक छोड़ दिया, ये जो लाइनर है, ये जो कैम है, वापस इस इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा और ये जो रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग है ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। उसके बाद ब्रेक लिंकेजेस भी होते हैं, यानी पेडल वगैरह के अरेंजमेंट होता है या लीवर का अरेंजमेंट होता है जिसमें ब्रेक लीवर, ब्रेक वायर वगैरह की चीजें आती है जो ब्रेक को ऑपरेट करने के काम में आता है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन था ड्रम ब्रेक का। नाउ मैकेनिकल ड्रम ब्रेक हो सकती है या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेंजमेंट होता है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो कैम है वो रिप्लेस किया गया है बाय दिस कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट देखिए, ये अलग कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट दी व्हील सिलेंडर। क्योंकि अगर हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक की बात करें तो वहां पे ये कैम रिप्लेस किया जाता है इस कंपोनेंट से, व्हील सिलेंडर से। तो ये कैसे काम करता है ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जब आप एक्सपांड हो रहा है, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ये दोनों सिलेंडर एक्सपांड होंगे और ये जो आपके लाइनर है ये यहाँ पर देखिए इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं ड्रम के और ब्रेक लग जा रही है। अभी व्हील घूम रहा है, ये जब एक्सपांड होगा तो ये देखिए व्हील रुक जाता है। इस तरह से आपका ब्रेक काम करता है। तो इस तरह से जब आप ब्रेक पेडल को प्रेस करते हो तो एक मास्टर सिलेंडर होता है जो यहाँ से फ्लूड ट्रांसफर करता है व्हील सिलेंडर में और ये आपका ब्रेक लगता है। तो इस तरह से आपका ड्रम ब्रेक काम करता है। दूसरा देखते हैं कि डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है। डिस्क ब्रेक के लिए अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो ये जो आपका व्हील हब है, ये व्हील हब है, इसके ऊपर एक डिस्क होती है जिसको रोटर या फिर डिस्क बोला जा सकता है। और ये जो डिस्क होती है ये यहाँ पर एक कैलिपर के साथ में अटैच होती है जिसमें पिस्टन लगे हुए रहते हैं, ब्रेक फ्लूड होता है, बेकिंग प्लेट होती है और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है दो ब्रेक पैड होते हैं। नाउ ये डिस्क ब्रेक की जो वर्किंग होती है ये सिमिलर होती है, आपने सबने बाइसिकल चलाई होगी। बाइसिकल में क्या होता है कि आपकी जो रिम होती है व्हीकल की उसके ऊपर दो ब्रेक पैड लगे हुए होते हैं। दो ब्रेक पैड आपने देखे होंगे, ब्लैक कलर के रबड़ के पैड लगे हुए होते हैं। और जब आप ब्रेक लगाते हो तो वो पैड क्या करते हैं, आपके रिम के कॉन्टेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन होता है और ब्रेक रुकती है। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये डिस्क ब्रेक यूज होती है। यहाँ पर क्या होता है, रिम की जगह में एक एक्स्ट्रा डिस्क लगाई जाती है और जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये जो पैड होते हैं वो डिस्क के कांटेक्ट में आते हैं और आपकी ब्रेक लगती है। ये देखिए आपके मोटरसाइकिल में अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से आपकी ये डिस्क है जो इस व्हील पे माउंट है,
जब भी व्हील घूमेगा तो ये ब्रिक डिस्क भी घूमेंगी, अगर आपने डिस्क को रोक दिया तो आपका व्हील भी रुक जाएगा। और ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर है, जिसका जिसको कैलिपर बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेक पैड होते हैं, कुछ पिस्टन अरेंजमेंट होते हैं जो ब्रेक को लगाने के काम में आता है। फोर व्हीलर्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ सिस्टम इस तरह से होता है, क्योंकि इतनी छोटी प्लेट हम लोग वहां पर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हेवी प्लेट बनाने के लिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये था डिस्क ब्रेक का कंस्ट्रक्शन। नाउ डिस्क ब्रेक जो होती है वो हमेशा हाइड्रोलिकली काम करती है। तो डिस्क ब्रेक इज कॉमनली यूज्ड ऑन फ्रंट एंड मोस्ट इन नाउडेज इट इज ऑल्सो यूज इन रियर व्हील्स ऑल्सो। तो फ्रंट व्हील या फिर रियर व्हील पे भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्क ब्रेक यूज टू पैड दैट अप्लाई प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ अ रोटर टू स्लो व्हील रोटेशन। तो व्हील के रोटेशन को कम करने के लिए ये काम में आता है। मोस्टली जो डिस्क ब्रेक होती है वो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होती है। तो आपके टू व्हीलर में भी अगर आपने देखा होगा तो वो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, हाइड्रोलिकली ही ऑपरेट होती है। यानी जो आपके डिस्क ब्रेक है, जो पैड है, ब्रेक पैड, उनको ऑपरेट करते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर से। तो हाइड्रोलिक प्रेशर से ऑपरेट करते हैं, उसको ब्रेक के डिस्क के कॉन्टेक्ट में लाके रखते हैं, जिससे कि आपके डिस्क के बीच में यहाँ आपका जो फ्रिक्शन होता है और ब्रेक लगती है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो यहाँ मास्टर सिलेंडर होता है, फ्लूड होता है, उसके बाद में ये ब्रेक किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो ये कंपोनेंट है किसी भी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, मास्टर सिलेंडर होता है, ब्रेक लाइनिंग होती है, व्हील सिलेंडर भी होता है। वो किस तरह से काम करता है हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए ब्रेक किस तरह से अप्लाई हो रही है। जब भी आप ब्रेक पेडल प्रेस कर रहे हो, यहाँ से फ्लूड निकलेगा और ये फ्लूड यहाँ से ट्रेवल होके आपके कैलिपर में आएगा। यहाँ पिस्टन लगे हुए होते हैं, जब फ्लूड यहाँ पे आएगा तो ये फ्लूड क्या करेगा, ये पिस्टन को आगे ढकेलेगा, इधर से भी दूसरा पिस्टन आगे जाएगा। इन पिस्टन के ऊपर ब्रेक पैड लगा हुआ रहता है और ये ब्रेक पैड यहाँ देखिए डिस्क को एक दूसरे के साथ में होल्ड कर रहा है। जैसे ही ये डिस्क को होल्ड करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो डिस्क है वो रुक जाएंगी। डिस्क रुक गया तो आपका व्हील भी रुक जाएगा। सो टाइप्स ऑफ कैलिपर्स अगर देखिए, या डिस्क ब्रेक के टाइप्स अगर देखिए, तो पहला होता है फिक्स्ड कैलिपर। फिक्स्ड कैलिपर में क्या होता है, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपकी डिस्क यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये डिस्क है, और ये जो कैलिपर है ये आपका कैलिपर फिक्स लगा रहता है, इसके अंदर कोई भी मोमेंट नहीं होता। यहाँ पर क्या है, जो ब्रेक का कंस्ट्रक्शन होता है तो ये डिपेंड करता है ये पिस्टन के ऊपर। तो ये जो आपके पिस्टन है जिसके ऊपर पैड लगा हुआ होता है, यहाँ फिक्स्ड कैलिपर में क्या होता है, दोनों साइड के जो पिस्टन है वो मूव होते हैं। यानी जो फ्लूड आ रहा है यहाँ पर वो दोनों साइड में आएगा और फिर इसको धक्का लगाएगा, आपके ब्रेक पैड आगे आएंगे, दोनों के दोनों ब्रेक पैड आगे आएंगे। ये जो फिक्स्ड कैलिपर होता है इसमें नंबर ऑफ पिस्टन ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ पिस्टन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपके ब्रेकिंग एफर्ट्स बहुत अच्छे से होंगे और यूनिफॉर्म ब्रेकिंग होंगी, पर ये कॉस्टली होता है क्योंकि सिस्टम ज्यादा बड़ा होता है, नंबर ऑफ पिस्टन ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसको कॉस्ट कम करने के लिए एक दूसरा सिस्टम यूज किया जाता है, जो है फ्लोटिंग और स्लाइडिंग कैलिपर। इसकी वर्किंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा आपका जो कैलिपर होता है वो मूवमेंट करता है। यानी जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो हाइड्रोलिक फ्लूड है वो सिर्फ इस जगह पर आएगा और ये पिस्टन को आगे ढकेलेगा। ये पिस्टन एक बार जो ब्रेक पैड है वो डिस्क के कॉन्टेक्ट में आ गया तो आपका पूरा का पूरा फ्लोटिंग जो कैलिपर है वो स्लाइड होता है इस डायरेक्शन में और आपकी ब्रेक लगती है, यानी डिस्क दोनों पैड के बीच में आ जाती है और फिर आपकी ब्रेक अप्लाई होती है जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये दो टाइप के आपके डिस्क ब्रेक हो सकते हैं, पहला फिक्स्ड कैलिपर, दूसरा फ्लोटिंग कैलिपर। इसमें जो कॉस्ट है, यानी आपकी अगर लो कॉस्ट मोटरसाइकिल है वहां पर आपको ये फ्लोटिंग कैलिपर दिखाई देगा, स्लाइडिंग कैलिपर वाला सिस्टम। पर अगर आपकी व्हीकल महंगा है और प्रीमियम क्लास का आपका व्हीकल है तो आपको हमेशा फिक्स्ड कैलिपर सिस्टम ही देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी नंबर ऑफ पिस्टन हो सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं, टू कैलिपर, टू पिस्टन, थ्री फोर पिस्टन या एट पिस्टन के भी टाइप्स में व्हीकल अवेलेबल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ ब्रेक।
तो फ्रेंड्स इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल ब्रेक्स कैसे होते हैं। तो हम लोगों ने ड्रम ब्रेक की वर्किंग देखी, उसके बाद हम लोगों ने डिस्क ब्रेक की वर्किंग देखी है। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग यहाँ पर हम लोगों ने सीखा ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक का। आखिरी में एक बार बात फिर से कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम आउटकम कौन सा अचीव हुए। तो हमारा यहाँ पे बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज बढ़ा है, इसीलिए PO1 अचीव हुआ। PO4 अचीव हुआ है क्योंकि हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स के बारे में बात की, कुछ इक्विपमेंट के बारे में बात की है। एंड देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग हुई है हमारी PO7 और PSO2, क्योंकि ये जो सिस्टम हम लोगों ने देखा है इसका मेंटेनेंस करने के लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है, इसीलिए PSO2 भी हम लोगों ने यहाँ मैप किया है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि डिस्क ब्रेक यानी अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट है आपके ब्रेक का वो किस तरह से काम करता है। आने वाले वीडियो लेक्चर में कि ये जो डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक है उसको अलग अलग सिस्टम में कैसे ऑपरेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।